अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। आई नो, मुझे पता है मेरे बाल बहुत ख़राब लग रहे हैं इस टाइम, बहुत मनोज टाइलर लग रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं काटूंगा लेकिन ईद से कुछ दिन पहले, क्योंकि 1-2 हफ्ते में ईद आने वाली है, 2 हफ्तों में आई थिंक सो ईद से कुछ दिन पहले जाऊँगा कटिंग कराऊंगा, नहीं तो ईद तक फिर बाल बड़े हो जाने, तो फ़ायदा कोई नहीं है अभी कटिंग कराने का। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, पूरे हफ्ते बाद ही बल्कि, तो आज मैंने कहा आज ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे दिन की शुरुआत आपको पता कैसे होती है? एक सुबह उठता हूँ, रेडी होता हूँ, दिल कुर्सू जाता हूँ, तो अभी वही क्या करना है, उठाऊँ, रेडी हुआ हूँ तो सीधा दिल कुर्सू, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं और 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होनी है, तो इस टाइम ट्रैफिक भी होता है, तो जाना हम निकलते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ मैं। हूँ जी, क्या ये मेरे भांजे ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया है, लेकिन फिर आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं बाद में। टाटा। हेलो जी, तो नाउ इट्स स्टोरी टाइम। ठीक है, ये एक स्टोरी टाइम है आज। आज आप पक्का भाई आपको एक स्टोरी सुनाएगा। ये कुछ दिन थे पहले के, जो कि बहुत अच्छे दिन थे, ठीक है, जिसमें हमने बहुत शुगर मेला किए दोस्त ने और बहुत मज़ा किया हमने। सेकेंड ईयर की बात है, सितंबर की, मेरे ख्याल से पिछले साल सितंबर की बात आई थिंक सो। तो मैं और मेरा दोस्त, हम सेकेंड ईयर के में थे, हम कॉलेज जा रहे, चला गया था उसने। फिर जब सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया, तो उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ज्वाइन किया, तो हम सेकेंड ईयर जाना स्टार्ट हुए। ठीक है, हमारा लाइक पहला दिन तो नहीं था, खैर हफ्ते बाद जा रहे हम, ठीक है, लेकिन मेरा दोस्त अब नया नया था कॉलेज में, तो एक दिन ही मेरे पास आता, और उस दिन मेरा कख दिल नहीं करता कॉलेज जाने का, ज़रा सा भी दिल नहीं करता कि मैं कॉलेज जाऊँ। ये आता है भाई साहब, पूरा सही त्याशा हुआ हुआ, टाई शाई पहनी हुई है और फुल रेडी हुआ हुआ है ना, और मैं सिर्फ खच्चे में था और शर्ट पहनी हुई, कहता है अभी तक रेडी नहीं हुआ। मैंने कहा यार आज दिल नहीं करा जाने का। कहता है यार क्या मतलब जाने का, अभी कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है और तू छुट्टियाँ मारने सोच रहा है। खैर मैं अंदर गया, मैं रेडी वगैरह हुआ, मैं बाहर आया, तो अब जैसे बैठे ना, जैसे हम जाने लगे, तो मैं इसके पीछे से बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार बड़ी बात सुन। कहता हाँ। मैंने कहा आज बंक मारते हैं, और ये भाई साहब थोड़ा सा था, नहीं, बंक कैसे मारेंगे भाई, बंक ना ना ना, ना बंक तो मारना ही नहीं हमने। मैंने कहा यार भाई मान जा, पहले बंक कोई नहीं, मार लेते हैं, एक्सपीरियंस भी हो जाए कैसा होता है, मार जा मारते हैं। नहीं भाई साहब बोले कि नहीं हमने मारना ही नहीं। खैर कॉलेज तक का जितना भी रास्ता था ना, सदर में हमारा कॉलेज था, और जितना भी रास्ता था हमारा, मैं उसको मनाता गया, लेकिन खैर जब सदर करीब हुआ, मैंने कहा यार ये तो मानने वाले में से नहीं है, तो अब कॉलेज ही चलते हैं, खैर शुगर लग जाएगा वहाँ पर भी। अब जैसे सदर में एंटर हुए, इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, और तो मुझे ये जैसे ये हमारा कॉलेज है और ये हम बाइक में ऐसे जा रहे हैं कॉलेज के पास, इसने पीछे कहा कि बड़ी, मैंने कहा हाँ, कहता यार चला बंक मारते हैं आज। मैंने कहा चल बड़ी आज हो जाए बंक। तो जैसे कॉलेज के सामने गार्ड था अपना, तो गार्ड का मेरे चाचा जी, सामने को चाचा कहते बेटा वालेकुम सलाम। हमने वहाँ से ही बाइक मोड़ के दूसरी साइड पे ले लिया। अब क्या मज़े की बात ये थी कि कभी कॉलेज से ना कॉल आता नहीं था, कभी भी कॉलेज से कॉल आता नहीं था घर में के भाई कॉल जाए। हमने कहा चलो यार चेल्ला चलते हैं। सदर में एक था गोगो चलने वाले में खासी, जो कि नान चलने, जिसके बहुत मज़े होते थे। हम वहाँ गए, हमने नाश्ता किया और बहुत मज़ा आया। फिर ये भाई कहता है कि यार चलते हैं स्नूकर खेलने के लिए। फिर हम गए स्नूकर खेलने के लिए, हमने वहाँ स्नूकर खेला। ये कहता है यार मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसकी फैक्ट्री पे चलते हैं तो मज़ा आएगा। मैंने कहा यार चल ठीक है। उसके दरअसल कपड़ों की फैक्ट्री थी, तो भाई साहब ने फ़ोन किया उसको, पहले तो उठाए ना, सोया हुआ था, फिर जब उठाया तो कहता है हाँ ठीक है तुम लोग आओ, मैं पहुँच रहा हूँ। खैर हम तब ये टाइम हो रहा था 9:30 के पास, हम उसकी फैक्ट्री गए, हम बैठ के उसका वेट कर रहे हैं। अब्दुल्ला उसके फिर फ़ोन ट्राई कर रहा है कि भाई किधर है, लेकिन उस भाई साहब को नींद इतनी प्यारी थी कि उसने इस फ़ोन को कर लिया स्विच ऑफ, वो सो गया था वहाँ पर। अब हम फैक्ट्री में बैठे हुए, अब्दुल्ला मेरे को मशीन दिखा रहा है कि ये इस मशीन से ये होता है, ऐसे ये होता है, क्योंकि इसने भी एक साथ किया था बिज़नेस। तो अब खैर मेरा फ़ोन था साइलेंट उस टाइम, ठीक है, और मेरे बडी के फ़ोन में कॉल आती है, एक एक नंबर से कॉल आती है, तो जैसे उठाता है और कहता है कि
यासिर बोलता है कि दानिश तुम्हारे साथ है? तो ये बोलता जी हाँ मेरे साथ है। उसने मुझे फ़ोन दे दिया। अब मैंने फ़ोन पकड़ा के हेलो सलाम अलैकुम, तो अब कॉल मेरी मामा थी, कहता दानिश कहाँ पर हो? मैं जल्दी से कार दी, मैं परेशान है। कहा ये मैंने अब्दुल्ला के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल्ला पागल हो गया, पता किसका नंबर है? कहते कौन है? मैं कहा मेरी मामा है। मेरे रंग उड़े हुए, उसके भी रंग उड़ गए उस टाइम। तो मैंने कहा आप क्या बताऊँ मैं उनको, हम बहाना सोचे, वो मुझे बहाना बता रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ, और हम बहाना सोचे जाए कि भाई क्या करें, घर से कॉल आ गई है। खैर करते करते हम ना एक रूम था जहाँ पर ना मशीन थी बंद और आवाज़ भी इतनी नहीं आता, हम वहाँ गए। इसमें मैंने मामा को कॉल किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मामा कहती वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जी मामा। मामा कहती कहाँ पर हो? मैंने कहा मामा बस क्लास ले रहा था, तो आप बताएं क्या हुआ। तो जैसे मैंने ये वर्ड बोला ना, उधर के पता नहीं भाई साहब ने शुरू की मशीन, जो वहाँ पर काम करने बैठे थे उसने मशीन स्टार्ट की पीछे से, अब वो गड़ 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 मशीन शुरू। मामा कहती बेटे एक बात बताओ, एक क्लास में कौन सी मशीनें लगी हुई, तो मुझे पहले ये बताओ ज़रा। किस्मत ऐसी थी कि क्या बताऊँ, पहला फूटा और सॉरी पहला बंग और ऐसा हुआ। तो मैंने कहा मामा नहीं, उस साथ वाले क्लास में ना काम हो रहा है, तो दरअसल इस। मामा कहती बेटा बात सुनो, तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया है। यकीन कर कभी फ़ोन आता नहीं था, उस दिन कॉलेज वालों को पता नहीं जेन में क्या आया, मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने मेरे घर कॉल कर दी। फिर होना क्या था, मामा कहती बेटा घर आ जाओ, कॉलेज ने गए तो घर वापस ही आ जाओ। अब मेरे रंग उड़े हुए कि लो भाई आज तो हुई शामत, आज तो गए। खैर अब बड़ी के भी उसको भी टेंशन पड़ गई कि भाई घर में कॉल की है, मेरे घर भी कॉल गई होगी। अब हमने फ़ौरन से बाइक निकाली और ये हम जा रहे हैं 20 की सीट स्पीड पे बाइक पे। मैंने कहा अब्दुल्ला यार बात तो सुनना। कहता हाँ। मैंने कहा सॉरी स्लो बाइक चला। कहता भाई एक काम करते हैं, उतरते हैं 45 का एसी लेके जाते हैं फिर। तो हम उस टाइम थे मुगलपुरे में, तो इतना लाइक हमारे रंग उड़े हुए बिल्कुल भी। अब हम जा रहे हैं रास्ते में घर की तरफ वापस, और शक्ल के रंग उड़े हुए के यार आज तो पक्का हम गए, आज बचने का चांस ही नहीं है बस। तो काफ़ी टेंशन हुई, रंग उड़े हुए। उस टाइम था 10:30 मेरे ख्याल से बज रहे थे। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, जैसे घर पहुंचे मैं 10 मिनट बाहर खड़ा रहा दोस्त के साथ। मैंने कहा खबरदार तू यहाँ से हिला, तो मैंने कहा जाना नहीं तूने कहीं पर। घर के अंदर गया, मामा कहती कि किधर था तू? फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा फिर इस तरह से मैं सोचा मैंने थोड़ा सा ना एक झूठ बोल दिया था। मैंने कहा वो दरअसल लेट हो गए थे, तो फिर हमें वो जो प्रिंसिपल था वो हमें जाने नहीं दे रहा था क्लास के अंदर, तो हम वहाँ से बाहर निकल गए बहाने बोने वाले। तो मामा कहती कि चलो डांट खाए, मामा तो डांटना, मामा ने थोड़ा बहुत डांटा तो वो हुआ बाबा के पास। बाबा ने कहा बेटा बंक मारना ना तो बता के मार, मतलब कि इतना मज़ेदार। खैर इसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ बंक मारने का। फिर जब भी मैंने बंक मारना तो मैंने बाबा को बताना, मैंने कहा बाबा फ़ोन आया ना उठाना मत, मैं जा रहा हूँ बंक पे आज। और हमने उसके बाद इतने बंक मारे कि हम महीने में सिर्फ 4 दिन जाते थे, बाकी सारे दिन मौज मेले मस्तियाँ। खैर वक्त अच्छा था, मज़ा आया था, और पकड़े भी गए लेकिन इंजॉय हुआ। तो अब मुझे कॉलेज के डेज इतने याद आते हैं दोस्त के साथ, और हमने बहुत से पंगे लिए हैं, बहुत से माई स्टोरीज है इस तरह की। तो इंशाल्लाह मैं वैसे मैं दिल करता था कि स्टोरीज आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी पुरानी स्टोरीज है, तो दिल करता था। तो मैंने कहा चलो आज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ भी, तो इंशाल्लाह आगे भी शेयर करता रहूँगा, बहुत सी स्टोरीज है इंशाल्लाह बताने के लिए, तो आपको आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। सो बड़ी आई सीरियसली लव यू एंड आई मिस यू सो मच यार, जो हमने टाइम बिताया वो तो बस छोड़ ही दो। मतलब कि हमने बहुत मस्ती की, हमने जो जो कारनामे किए और जो जो हमने फिर बंक मारे हैं वो बस फिर अलग ही लेवल था। तो बस यार यही था आज का, ठीक है? अगर अच्छा लगा तो लाइक मार देना, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सीन हुआ है तो मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा कि हाँ हम भी पकड़े गए थे, तो मुझे बताना लाजमी है। और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, इट्स ओके कर दो। खैर तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, टाटा मैं चलता हूँ फिर, अब बाय बाय।